12 दिसंबर की शाम ईरान के मशहद का चलता फिरता बाजार अचानक से ठिटक गया। वहां मौजूद लोगों की आंखें एक दिशा में घूमकर जम जा रही थी। जिस जगह पर आंखें ठहर रही थी उस तरफ एक क्रेन खड़ी थी। आमतौर पर टनों का वजन उठाने वाली उस मशीन की केबल से 70 किलो का एक शरीर लटका हुआ था, शांत, सीधा और प्राणहीन। वो शरीर 23 बरस के मजीद रेजा रहनावाद का था। मजीद रेजा को ईरान के हिजाब विरोधी प्रोटेस्ट के दौरान दो सैनिकों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि अदालत ने एक अस्पष्ट सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मजीद रेजा को सजा सुना दी। उसे निष्पक्ष ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। जो वकील उसे मुहैया कराया गया उसने बचाव में कुछ नहीं कहा। फिर उसे खुले में क्रेन से लटका कर फांसी दे दी गई। ईरान में पब्लिक के सामने मौत की सजा देने की घटना कोई नई नहीं है। ईरान हर साल सैकड़ों लोगों को मौत की सजा देता है। अगर हाल के एंटी हिजाब प्रोटेस्ट की बात करें तो मजीद रेजा का केस संख्या में दूसरा है। इससे पहले 8 दिसंबर को मोहसिन शिखारी को फांसी की सजा दी गई थी। आज हम ईरान में मौत की सजा और एंटी हिजाब प्रोटेस्ट पर विस्तार से बात करेंगे। शो में और क्या होगा, अमेरिका ने प्लेन हादसे के आरोपी को लीबिया से कैसे उठाया और काबुल में चीन के होटल पर किसने हमला कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत करते हैं ईरान से। 13 सितंबर 2022 के रोज तेहरान के एक मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही महसा अमीनी चौंक गई। किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा था। महसा घूमने के इरादे से तेहरान आई थी, वहां उसे शायद ही कोई जानता था। उसने मुड़कर देखा तो उसका चकित होना जायज लगा। सामने मोरालिटी पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस ने महसा के हिजाब पहनने के तरीके पर आपत्ति जताई। जब महसा ने उनसे सवाल करने की कोशिश की तब वे उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। फिर 3 दिनों के बाद महसा की लाश तेहरान के एक अस्पताल में नजर आई। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस का कहना था कि महसा थाने में चक्कर खाकर गिर गई थी, जबकि उसके घर वाले ये आरोप लगा रहे थे कि उनकी बच्ची का टॉर्चर हुआ, इसी में उसकी जान गई। जब महसा की मौत की खबर बाहर आई तब पहले तेहरान, फिर उसके होम टाउन और फिर पूरे ईरान में रैलियां निकलने लगीं। महिलाएं हिजाब जलाने लगीं, अपने बाल काटने लगीं। उन्होंने सड़कों पर उतरकर कट्टरपंथी कानूनों का विरोध शुरू कर दिया। छात्र यूनिवर्सिटीज में हड़ताल करने लगे। ईरान सरकार ने उन्हें कुचलने के लिए हर चाल चली। जैसा कि चलन रहा है, भोपू मीडिया ने प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट बताकर उन्हें खारिज करने की कोशिश की। अक्टूबर 2022 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई ने यहां तक कहा कि ईरान के दंगों और अराजकता के पीछे अमेरिका, इसराइल और उनके भाड़े के एजेंट्स का हाथ है। ये भी कि विदेशों में रह रहे कुछ गद्दार ईरानियों ने उनकी मदद की है। इन सब के बावजूद प्रोटेस्ट नहीं रुका। फिर सरकार ने दमन कार्यक्रम और तेज किया। मसलन नवंबर 2022 की न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सैनिकों ने प्रोटेस्टर्स तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल शुरू किया है। एम्बुलेंस को आसानी से रास्ता मिल जाता है। वे खाली एम्बुलेंस लेकर प्रोटेस्ट के बीच में घुसते हैं, फिर कुछ लोगों को पकड़कर वहां से निकल जाते हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सैनिक महिला प्रोटेस्टर्स के गुप्तांगों को निशाना बना रहे हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्स जानबूझकर महिलाओं के चेहरों और स्तनों पर पैलेट गन से हमला कर रही है। दिसंबर 2022 से प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को मौत की सजा दी जाने लगी है। पिछले एक हफ्ते में 2 प्रोटेस्टर्स को खुले में फांसी दी गई है। दोनों पर ईरान की बासिज फोर्स के सैनिकों पर हमले का आरोप था। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 488 लोगों की मौत हुई है। अभी तक 18,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। उनके ऊपर भी मौत की सजा का खतरा मंडरा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऐसे 20 लोगों की पहचान की है जिन्हें किसी भी समय मौत की सजा दी जा सकती है। ये सभी लोग प्रोटेस्ट के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे। मजीद रेजा की सजा ने इस आशंका का ग्राफ बढ़ा दिया है। जानकारों का कहना है कि सरकार लोगों में खौफ पैदा करने के लिए जल्दी जल्दी मौत की सजा दे रही है। क्रेन के इस्तेमाल के जरिए बाकी लोगों में संदेश देने की कोशिश की जा रही है। मजीद रेजा को महज 23 दिनों के ट्रायल के बाद फांसी पर चढ़ा दिया गया। कहा जा रहा है कि उसे अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही उसका एक वीडियो सामने आया था। इसमें उसने ना तो बासिज फोर्सेस की हत्या से इनकार किया था और ना ही आरोपों को स्वीकारा था।
उस वीडियो में उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। कहा जा रहा है कि उससे जबरदस्ती आरोप कबूल करवाए गए। यूएन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट कहती है कि राजनीतिक मामलों में सजायाफ्ता की फैमिली को चुप रहने के लिए कहा जाता है, उन्हें शोक मनाने और अपनी मर्जी से दफनाने की इजाज़त भी नहीं मिलती। मजीद रेजा के मामले में भी ऐसा ही हुआ। अधिकारियों ने उसकी मां को फांसी के बारे में पहले से नहीं बताया था। उन्होंने कब्र की जगह भी अपनी इच्छा से तय की। उसकी माँ को सिर्फ उसका पता देकर छोड़ दिया गया। ईरान में सजा देने के तरीके पर भी सवाल उठते रहे हैं। कई मामलों में कैदी को 15 मिनटों तक तड़पाया भी जाता है। ईरान को मौत की सजा की राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। अकेले 2021 में 333 लोगों को मौत की सजा दी गई, इनमें से सिर्फ 60 मामलों की रिपोर्ट बाहर आई। ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल है कि सजा पाने वालों को फेयर ट्रायल मिला या फिर नहीं। इसमें ये सवाल भी गौण हो जाता है कि क्या केस इतना गंभीर था कि उसमें मौत की सजा दी जानी जरूरी थी। ये तो हुई वर्तमान की बात, अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। ये जान लेते हैं कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के पहले ईरान में सजा के क्या प्रावधान थे। साल 1785 से 1925 तक ईरान में कजार वंश का शासन था। उनके शासन में लोगों को क्रूर सजाएं दी जाती थीं। कैसी सजाएं? जैसे खुले में फांसी देना, अपराधियों को ऊंची दीवार से नीचे फेंक देना, तोप के मुंह से बांधकर उड़ा देना। एक सजा का नाम शमीअज़्ज़न था। इसमें अपराधी के शरीर में चीरे लगाए जाते थे और उनके अंदर मोमबत्तियां जलाई जाती थीं। फिर 1905 से ईरान में न्यायिक सुधार शुरू हुए। इस साल ईरान में फारसी संवैधानिक क्रांति हुई। अब मौत की सजा सिर्फ फांसी वाले दस्ते में ही दी जाने लगी। लेकिन क्या ये सजाएं एकदम बंद हो गईं? ऐसा नहीं था। असली न्यायिक सुधार ईरान में रेजा शाह पहलवी के दौर में आया। 1925 से 1979 तक किसी आम अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। मृत्युदंड के पैमाने तय किए गए, जैसे हत्या, बड़े राजद्रोह का केस या सशस्त्र विद्रोह के लिए मौत की सजा का प्रावधान कायम रखा गया। फिर 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई। अब ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया था। इसके बाद एक बार फिर से ईरान में सार्वजनिक फांसियों का दौर शुरू हुआ। अगर किसी को मौत की सजा मिलती तो उसका मतलब यही था कि उसे खुले में सबके सामने फांसी पर चढ़ाया जाएगा। इसके लिए लंबी क्रेनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। आमतौर पर स्टेडियम या किसी बड़े चौक में अपराधी को लाया जाता, उसे मंच पर चढ़ाया जाता, उसके गले पर रस्सी कसी जाती और क्रेन से उसे ऊपर खींच लिया जाता। इसके अलावा फांसी की रस्सी अपराधी के सिर पर बांधकर उसके पैर के नीचे से स्टूल हटा दिया जाता, ये भी फांसी देने का एक तरीका था। ईरान के कुछ इलाकों में अपराधी को भीड़ द्वारा पत्थर मारने की प्रथा भी शुरू हुई। दुनिया भर में मौत की सजा को खत्म करने की मुहिम चलती है। जहां ये कानून है वहीं ये मांग भी होती है कि सिर्फ जघन्य अपराधों में ऐसी सजा दी जाए। लेकिन ईरान धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक हित साधने के लिए भी इसका इस्तेमाल करता रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या ईरान को अपने कानून में सुधार की जरूरत है या इसे उसका आंतरिक मामला मानकर छोड़ देना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ईरान का चैप्टर यहीं तक, अब चलते हैं लीबिया। लीबिया के मजराता में एक घर के बिस्तर पर 80 साल का एक बूढ़ा खाने के बाद झपकियां लेने की तैयारी कर रहा था। पहली झपकी आती उससे पहले ही दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। बाहर कुछ वर्दीधारी सैनिक खड़े थे। उन्होंने बूढ़े को उठाया, गाड़ी में भरा और मिनटों के अंदर वहां से निकल गए। उस बूढ़े के भतीजे ने पुलिस में खोज खबर करने की कोशिश की। पता चला कि उसके चाचा को डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने उठाया है। उसे कहा गया कि तुम्हारे चाचा को कुछ नहीं होगा, कुछ पूछताछ होनी है, हफ्ते भर बाद वो घर आ जाएंगे। बूढ़े के घर वाले इंतजार करने लगे। एक हफ्ता, दो हफ्ता, फिर तीसरा हफ्ता भी बीत गया। अब उन्हें बेचैनी होने लगी थी। उन्होंने तय किया कि फिर से चलकर पता किया जाए कि असली मसला क्या है। लेकिन उन्हें पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 11 दिसंबर की सुबह उनके घर की टीवी स्क्रीन पर एक खबर फ्लैश हुई। उसमें दिखाया जा रहा था कि अब अगीला मोहम्मद मसूद खैर अल मरीमी अमेरिका की हिरासत में है। साथ में एक तस्वीर भी दिखाई जा रही थी, उसी बूढ़े की थी जिसे 3 हफ्ते पहले मिजराता के घर से पकड़ा गया था। अब सवाल ये आता है कि अबू अगीला कौन है और वो लीबिया से अमेरिका कैसे पहुंचा? अलमरीमी लॉकरबी प्लेन धमाके का संदिग्ध आरोपी है। 21 दिसंबर 1988 को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से पैन एएम फ्लाइट संख्या 103 ने उड़ान भरी। प्लेन में कुछ 259 लोग सवार थे, इनमें से 189 अमेरिकी नागरिक थे। हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ने के 40 मिनट बाद ही जोर का धमाका हुआ। उस वक्त प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। धमाके ने प्लेन को मरोड़ दिया। आग की लपटों में लिपटा मलबा और लाशें स्कॉटलैंड के लॉकरबी शहर पर बरसने लगी। प्लेन के मलबे ने 11 और लोगों की जान ली। प्लेन में सवार 259 लोगों में से एक भी जिंदा नहीं बचा। इस प्लेन में 21 देशों के यात्री थे।
एफबीआई के नेतृत्व में 19 एजेंसियों ने जांच करनी शुरू की। 1991 में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को रेडियो का एक टुकड़ा मिला, नाखून के बराबर का। इसे किसी बैग में बांधा गया था। फिर एक टाइमर का टुकड़ा मिला एक शर्ट पर। CIA को पता चला कि इनका इस्तेमाल पहले भी हो चुका है। ये जांच उन्हें लीबिया ले गई। लीबियन सीक्रेट सर्विस के 2 एजेंटों को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। इसमें एक तीसरे एजेंट अबू अगीला मसूद का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। लीबिया ने बाकी दोनों को कटघरे में खड़ा करने से मना कर दिया। इसके जवाब में अमेरिका और UN ने लीबिया पर प्रतिबंध लगा दिए। जब हालत खराब हुई तब गद्दाफी ने दोनों को ट्रायल के लिए सौंपा। 2001 में एक एजेंट अब्देल बासित अल मगरही को दोषी पाया गया। उसे आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। दूसरे आरोपी पर दोष साबित नहीं हो सका, उसे बरी कर दिया गया। अल मगरही को 2009 में कैंसर हो गया। स्कॉटलैंड सरकार ने उसे जेल से रिहा कर दिया। लीबिया लौटने पर अल मगरही का हीरो की तरह स्वागत हुआ। फिर आया 2011 का साल। मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई। लीबिया में 41 सालों से शासन चला रहे गद्दाफी की हत्या कर दी गई। उसके बाद गद्दाफी के वफादारों की खोज शुरू हुई। हजारों पूर्व एजेंटों और अधिकारियों को अरेस्ट किया गया, उनसे पूछताछ की गई, कुछ को सजा भी दी गई। US जस्टिस डिपार्टमेंट ने 2020 के एक एफिडेविट में दर्ज किया है कि 2017 में पूछताछ की एक कॉपी FBI के हाथ लगी। इसमें अबू अगीला मसूद का नाम था। ये पूछताछ सितंबर 2012 में हुई थी। उस दौरान उसने कई बातें कबूली थी। मसलन, मसूद ने ही वो बम बनाया था जिसके कारण पैन एम फ्लाइट 103 में धमाका हुआ। इस हमले का आदेश लीबिया की खुफिया एजेंसी के टॉप अधिकारियों ने दिया था। धमाके के बाद खुद गद्दाफी ने मसूद और उसकी टीम को शाबाशी दी थी। जिस समय US जस्टिस डिपार्टमेंट अबू अगीला पर केस तय कर रहा था, उस समय वो लीबिया की जेल में था। उसे गद्दाफी के समय किए गए गुनाहों के लिए 10 बरस जेल की सजा मिली थी। इसके बावजूद अमेरिका ने पीछा नहीं छोड़ा, उसने नजर बनाए रखी। 2022 के जून महीने में अबू अगीला जेल से रिहा हो गया। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में लीबिया में कुछ वर्दीधारी सैनिकों ने उसको उसके घर से उठाया। कुछ दिनों तक उसे मिजराता के एक मिलिट्री बेस पर रखा गया। फिर अमेरिका से एक टीम प्राइवेट प्लेन लेकर आई। वे अबू अगीला मसूद को अपने साथ लेकर लौट गए। अमेरिका या लीबिया के अधिकारियों ने इस पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। फिलहाल लीबिया 2 प्रशासकों के बीच पिस रहा है। एक है नेशनल यूनिटी की सरकार, इसे UN का समर्थन मिला हुआ है। इसका बेस त्रिपोली में है। इस सरकार के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबैया हैं। दूसरा गुट तोब्रुक प्रांत से चलता है। इसके नेता का नाम फतही बगाशा है। इन दोनों को अलग अलग सैन्य गुट मिलकर चलाते हैं। पश्चिमी देश रूस, UAE और तुर्की अपने अपने हितों के अनुसार इन धड़ों का समर्थन या विरोध करते हैं। अबू अगीला मसूद को किस गुट ने किडनैप किया, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। खैर, अमेरिका और स्कॉटलैंड ने अबू अगीला की गिरफ्तारी पर खुशी जताई है। अमेरिका ने कहा कि उन्होंने सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए अबू अगीला को पकड़ा है। हालांकि उन्होंने प्रोसेस बताने से परहेज किया है। 13 दिसंबर को अबू अगीला को अमेरिका के एक फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। उसके ऊपर 3 चार्जेस लगाए गए हैं। इन मामलों में अधिकतम मौत की सजा तक का प्रावधान है। हालांकि वकीलों का कहना है वे मौत की सजा की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि जिस समय हादसा हुआ था उस समय संबंधित मामलों में इस तरह की सजा का प्रावधान नहीं था। अगर अबू अगीला मसूद पर लगे आरोप साबित होते हैं तो बहुत संभव है कि उसकी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। शायद इससे पीड़ित परिवारों का दर्द थोड़ा कम हो सके। लीबिया के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। फिलहाल के लिए हम अफगानिस्तान चलते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बीचों बीच बना लोंगन होटल 12 दिसंबर की दोपहर अचानक धुएं के गुबार में बदल गया। होटल के अंदर भयानक चीख पुकार मची हुई थी। बीच बीच में गोलियों की धाएं धाएं से सन्नाटा पसर जाता था, फिर शोरगुल शुरू हो जाता। लोंगन होटल काबुल आने वाले चीनी डिप्लोमेट्स और उद्योगपतियों का पसंदीदा ठिकाना रहा है। चीन उन कुछ चुनिंदा देशों में से है जिसने तालिबान सरकार के साथ संबंध बरकरार रखे हैं। अमेरिका के निकलने के बाद भी चीन ने अपना दूतावास खोलकर रखा था। चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान एक जरूरी फैक्टर है। तालिबान ने अपने लड़ाकों को फौरन होटल की तरफ रवाना किया। कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद 3 हमलावरों को मार गिराया गया। चौथे हमलावर ने गेट के पास खुद को बम से उड़ा लिया था। इस हमले में किसी चीनी नागरिक की जान नहीं गई। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट कर बताया कि होटल को खाली करा लिया गया है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार मुठभेड़ में तालिबान का एक सैनिक मारा गया और 3 घायल हुए हैं। कुछ चीनी मेहमान भी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अब इस हमले से जुड़ी अपडेट्स भी जान लीजिए। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है।
उसने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा, हमने काबुल के उस होटल पर हमला किया है जहां चीनी राजनयिक और बिजनेसमैन आते जाते रहते हैं। हमने दो बैग्स के अंदर विस्फोटक छिपा कर रखा था। एक बैग का इस्तेमाल हमने चीनी मेहमानों पर हमला करने के लिए किया और दूसरे का इस्तेमाल रिसेप्शन हॉल को निशाना बनाने के लिए किया। अफगानिस्तान की धरती पर आईएस का ये पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी वो मदरसों, गुरुद्वारों और एयरपोर्ट पर बम धमाके कर चुका है। लोंगन होटल पर हमले से एक दिन पहले ही चीनी राजदूत और अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में चीनी राजदूत ने अपने दूतावास की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की मांग की थी। चीन ने तालिबान से अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने लोगों को फौरन बाहर निकलने का सुझाव भी दिया है। तालिबान अफगानिस्तान को सुरक्षित मुल्क के तौर पर पेश करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों के अंदर रूस और पाकिस्तान के दूतावास और अब लोंगन होटल पर हुए हमले ने इस कोशिश में पलीता लगाया है। ये उसके उस दावे को भी खारिज करता है जिसमें उसने अफगानिस्तान को आतंकियों से सुरक्षित रखने की बात कही थी। क्या तालिबान अपने दावे पर खरा उतर सकता है या क्या उसकी नीयत में खोट है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।